हाय गाइस, मास्क खोल लेते हैं फिर बात करते हैं। पहला 400 सीसी बाइक, पहला इम्प्रेशन, ये गया आपका टाइटन। पावर कभी भी काम नहीं होगा आपका। आप अगर 100 सीसी 150 सीसी बाइक चलाते हो और इस बाइक को खरीद लिया तो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रही है। पहला सरप्राइज जो कि है पावर, दूसरा इसका वेट। खड्डे में पानी वगैरह है इस रोड पे, इस बाइक को कंट्रोल करना थोड़ा प्रॉब्लम होती है सच में, इसका वेट की वजह से। और तीसरा, ये अगर आपका सेकेंडरी बाइक है तो ठीक है। और चौथा, इस बाइक का प्राइस। मैंने इस पॉइंट को क्यों बोला, अब चलो धीरे धीरे एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। दरअसल ये जगह कलकत्ता का इको पार्क का एरिया है, बाजू से ही रोड जा रही है, इसीलिए बहुत गाड़ियाँ जा रही है आ रही है, तो नॉइज़ थोड़ा आएगा, उसको एडजस्ट कर लेना। तो चलो आप बात करते हैं पहला पॉइंट जो कि है पावर के बारे में। भाई आप अगर 100 सीसी 150 सीसी बाइक चलाते हो और इस बाइक को ख़रीद लिया जो कि है डोमिनर 400 सीसी का इंजन, तो मतलब आपको पावर के बारे में बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। मतलब जिस दिन मैं बाइक को ख़रीद के लेके आ रहा था, मतलब फर्स्ट गियर सेकंड गियर में आराम से 50-60 का स्पीड पकड़ ले रहा था, मतलब वो फीलिंग्स ही अलग था। और जब चार दिन मैं इस बाइक को चलाया, फिर हाईवे पे लेके गया, तो बाइक आराम से 100-120 स्पीड पकड़ ले रहा था, मतलब विदाउट स्ट्रगल, कुछ भी नहीं। अब सोचो हाईवे पे कहीं पे आप खड़े हो, रेड सिग्नल पे अगर आते हैं, पहले जो शहर क्रॉस करने के बाद जो रेड सिग्नल आते हैं उसके बाद हाईवे शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ आप सब बाइक के साथ खड़े हो और आपके पास ये वाला बाइक है ना, तो आप मतलब थोड़ा सा थ्रॉटल लिया, सारे गाड़ियाँ वगैरह जितना कुछ भी है सब पीछे और आप आगे, मतलब वो फीलिंग्स ही अलग है भाई। उस फीलिंग्स को मैं, जब तक आप इस बाइक को नहीं चलाओगे तो वो फीलिंग्स आएगा ही नहीं। और एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ, दरअसल ये कोई बाइक का रिव्यू वीडियो नहीं है, ये है मतलब इस बाइक को ख़रीद के मेरा जो एक्सपीरियंस है और आपका जो बाइंग एक्सपीरियंस होगा वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको डिसीजन लेने के लिए कि मैं इस बाइक को ख़रीदूँ या नहीं ख़रीदूँ। तो इस मकसद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलो आप तो हो गया पहला पॉइंट जो कि है पावर के बारे में, आप दूसरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है वेट के बारे में। अगेन मैं वही बात बोलने वाला हूँ, आप अगर 100 सीसी 150 सीसी बाइक चला रही हो और इस बाइक में आए हो, मतलब आप पकड़ लो एक 100 सीसी 150 सीसी बाइक का वेट कितना होगा, अराउंड 100 से 100। फोन आ गया, एक मिनट, हेलो। चलो फ़ोन से बात हो गया, अब बात करते हैं अगेन से, मैं जहाँ था। हाँ, आप अगर 100 सीसी 150 सीसी बाइक चलाते हो, उस बाइक का वेट कितना होगा, अराउंड आप पकड़ लो 100 से 150 केजी के अंदर ही होगा। लेकिन इस बाइक का जो वेट है वो है 187 केजी, तो मतलब वो जो 40-50 जो केजी का जो डिफरेंस है ना, वो आपको मतलब एहसास दिलाएगा। जब पकड़ लो आप कोई ट्रैफिक में हो या जहाँ पे रोड ख़राब है, रोड खड्डा है, आप 20-30 के स्पीड से चला रही हो, तब इसका वेट आपको फील देगा, मतलब ये बाइक बहुत हेवी है, तो वो थोड़ा इशू होगा। और ऐसा भी आप पकड़ सकते हो कि आप ट्रैफिक में खड़े हो, थोड़ा आगे पीछे करना होगा, तब भी इसको प्रॉब्लम बहुत आएगा। तो ये तो गया आपका वेट के बारे में। अब चलो बात करते हैं तीसरी पॉइंट जो कि है, ये अगर आपका सेकेंडरी बाइक है तो ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप पकड़ लो इस बाइक को आपने ख़रीदा और आपने सोचा इसी बाइक को सिर्फ रखेंगे और कोई बाइक नहीं रखूँगा,
तो आप अगर 2-4 किलोमीटर दूर पे अगर कोई आपका काम रहता है, जैसे आपको घर का सब्जी लेना हो या 2-4-5 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे ना इस बाइक का जो वेट है और इसको निकालने का, अगर आपका पार्किंग थोड़ा नैरो है, पार्क करना और उधर से निकालना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मतलब आपको बहुत इरिटेशन होगा कि आप सोचोगे घर पे अगर साइकिल हो तो साइकिल से चला जाऊँ, इस बाइक को मत निकालूँ, मतलब प्रॉब्लम होगा भाई। और ये बाइक दरअसल ऐसा है कि आप पकड़ लो सुबह नींद से जगे हो और आपको मन आया कि 300-400 किलोमीटर के दूर कोई पहाड़िया है या कोई समंदर है जहाँ पे मैं जाके घूम के आ जाऊँ या फिर घूमने के लिए निकल जाऊँ, अपना बाइक उठाया और चले गए। मतलब ये ऐसा बाइक है, आप बिना टेंशन के, बिना कोई स्ट्रगल के आराम से इस बाइक के साथ आप उस पहाड़ी पे जाके मतलब घूम फिर के वापस आ भी सकते हो इधर, या इधर आप उधर रह भी सकते हो। ये ऐसे वाला बाइक है सच में, ये मतलब टूरिंग के लिए परफेक्ट बाइक है। मतलब इसको लेके आप आराम से 100-120 के पास आराम से क्रूज़ कर सकते हो। मैं इसके पहले FC चलाता था, उसको मैं 80-90 के ज़्यादा मतलब ऊपर नहीं चलाता था, क्रूज़ नहीं कर पाता था, कॉन्फिडेंट लूज होता, लेकिन इस बाइक को मैं जब चलाया तो आराम से 100-120 आराम से चला रहा था। तो यही था कुछ सेकेंडरी बाइक के बारे में पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं चौथा पॉइंट, जो कि है प्राइस के बारे में। इस बाइक को जब मैंने ख़रीदा तो इस बाइक का जो प्राइस बढ़ा 1,20,000, 2018 मॉडल लास्ट का है और ये ABS वाला वर्सन है। बाइक जब मैं ख़रीदा इसका रेटिंग था 10,200 समथिंग, मतलब ज़्यादा बाइक चला हुआ नहीं था। बाइक में इतना क्रैश नहीं है, आगे का टायर थोड़ा सा घिसा है, मतलब अभी तक 70% टायर है इसमें, पीछे का टायर आप बोल सकते हो एकदम पूरा नया है। और बाइक में इतना क्रैश वगैरह नहीं है, मैं 2-4 दिन चलाया इसीलिए थोड़ा सा गंदा हुआ, नहीं तो जब मैं घर लेके आया था तब एकदम टिच था ये। और यही कुछ था, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो देख के अच्छा लगा। वीडियो देखे अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।